नमस्कार। दकियानूसी विचारों की वजह से नारी की स्थिति समाज में बहुत दयनीय है। उसके अधिकारों को समझें, समाज में उसे सम्मान मिले, तभी समाज उन्नति कर सकता है। तो आइए देखें वही नाटक मंडली जिसे आप पहले भी मिल चुके हैं, किस तरह अपनी बात को जनता तक पहुंचाती है। सुनो हम सुनाते हैं तुमको एक नई कहानी। सुनो सुनो हम सुनाते हैं। अरे ओ गंगाले, अरे फैक्ट्री से आ रहा है कि फिल्म देख के आ रहा है? अरे फिल्म नहीं धन्नो, मैं तो नाटक देख के आ रहा हूँ। नाटक? नाटक? हाँ, अरे याद है एक बार वो बस में एक हमें नाटक मंडली मिली थी। ओ अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। बस वही लोग फैक्ट्री के बाहर लड़का लड़की के फर्क के बारे में नाटक कर रहे थे। लड़का लड़की में फर्क? हाँ। अरे मैं समझी नहीं। अरे यही कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता, ये सब बातें जो है ना समाज का झूठा दिखावा है, दिखावा। अच्छा अच्छा। अरे कितना अच्छा होता जो ये हमारी बस्ती में आके नाटक करते ना। अरे सब पक्का कराया, कल आ रही है वो नाटक मंडली बस्ती में नाटक दिखाने बस्ती को। हाँ बस मैं बस्ती वालों को खबर कर रहा हूँ, फिर आता हूँ आराम। अरे तू कहाँ जा रहा है, अभी थका मांदा तो आया है। तू ऐसा कर, उस गिरधारी को बोला जाके वो अपनी ढोलक बजा के पूरी बस्ती में ढिंढोरा पीट देगा। बात तो तू ठीक कहती है। हाँ ठीक है, मैं गिरधारी को बोलता हूँ, वो ढोल बजा देगा। हाँ ठीक, आया बस मैं अभी। अच्छा सुनाए मिलकर हम तुमको एक कहानी, सबकी देखी सबकी जानी है ये बहुत पुरानी। सुनो सुनाए मिलकर हम तुमको एक कहानी, सबकी देखी सबकी जानी है ये बहुत पुरानी। लड़का हो या लड़की हो, बचपन हो या जवानी, लड़का हो या लड़की हो, बचपन हो या जवानी, तेरी मेरी मेरी तेरी सबकी यही कहानी, तेरी मेरी मेरी तेरी सबकी यही कहानी। सुनो सुनाए मिलकर हम तुमको एक कहानी, सबकी देखी सबकी जानी है ये बहुत पुरानी। खुद ही बनाए नियम हमने, खुद ही बनाए रस्में, खुद ही बनाए नियम हमने, खुद ही बनाए रस्में, खो बैठे हैं हक अपना हम, कुछ भी नहीं है बस में, खो बैठे हैं हक अपना हम, कुछ भी नहीं है बस में। सुनो सुनाए मिलकर हम तुमको एक कहानी, सबकी देखी सबकी जानी है ये बहुत पुरानी। लड़की को है दब कर रहना, बच्ची हो या सयानी, लड़की को है दब कर रहना, बच्ची हो या सयानी, लड़के को देनी है भैया जीवन भर कुर्बानी, लड़के को देनी है भैया जीवन भर कुर्बानी। सुनो सुनाए मिलकर हम तुमको एक कहानी, सबकी देखी सबकी जानी है ये बहुत पुरानी, सबकी देखी सबकी जानी है ये बहुत पुरानी, सबकी देखी सबकी जानी है ये बहुत पुरानी। सज रही गली मोरी माँ सुनर कोटे में, सज रही गली मोरी माँ सुनर कोटे में, सुनर कोटे में रुपर कोटे में, सज रही गली मोरी माँ सुनर कोटे में। माता जी क्या हुआ, लड़के की नौकरी लग गई है, डीडी का फ्लैट निकला है, लॉटरी लग गई है? लॉटरी ही समझो, मुंह मीठा करो, लड़का हो बुढ़ापे की लाठी है, दहेज की पिटारी है, आईएएस अफसर बनेगा, वंश को आगे चलाएगा, मेरी चिता में आग भी लगाएगा। ओ, 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 ओ,
बाबा जी क्या हो गया? पति की नौकरी चली गई, इनकम टैक्स कर लेना पड़ा या कोई घर में मर गया? अरे मारे तेरे घर में हमारे यहाँ में लड़की पैदा हुई है। अरे मारे घर में लक्ष्मी ने जन्म लिया है, अब समझो सारे दुख दर्द दूर। अरे लक्ष्मी होगी तेरे लिए, हमारे लिए तो जिंदगी भर का बोझ हो गया, जा फुट काम कर अपना। कमाल लड़की हुई है तो इतना रो रहे हैं? अरे लड़की है देख ली, अब तो खुश हो जाए, लड़की भी लक्ष्मी होती है। कोई इतनी आसानी से थोड़ी हो जाएगी, मामा दहेज में जाएगी। अरे मुड़ी जला दी गई तो कोर्ट कचहरी का चक्कर अलग। अजीब बात है, दोनों ही घरों में बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन एक तरफ खुशियाँ हैं और दूसरी तरफ मातम। आखिर ऐसा क्यों? सिर्फ लड़के और लड़की के फर्क की वजह से? आखिर उनमें फर्क क्या है? जो गुड़िया खेले वो लड़की, जो झूला झूले वो लड़की, जो आटा गूंदे वो लड़की, जो चूल्हा फूके वो लड़की, जो आग झुकाए वो लड़की, जो शर्मा जाए वो लड़की, अकली दुबली नाजुक सी, जो दब जाए वो लड़की, जो क्रिकेट खेले वो लड़का, जो ना घबराए वो लड़का, जो सौदा लाए वो लड़का, जो वीर बहादुर वो लड़का, जो सोचे समझे वो लड़का, जो खूब कमाए वो लड़का, लंबा तगड़ा भारी भरकम वो लड़का। लेकिन ये धारणा बनाई किसने? आखिर तुम हो कौन? हम समाज हैं। भगवान ने तो शायद एक ही दुनिया बनाई थी, लेकिन एक समाज की दो अलग अलग दुनिया है, एक लड़के के लिए और दूसरी लड़की के लिए, और दोनों दुनियाओं के रीति रिवाज भी अलग है। मुझको मारा, लड़कियों के रोते चलो जाओ, सब लड़कियों उधर जाके खेलो, चलो चलो सिलाई का काम निकालो, चलो करेंगे क्या बनोगी? मैं इंजीनियर बनूंगी। विभा तुम्हारे पापा इंजीनियर है ना? तुम्हारी मम्मी तो नहीं? तो तुम्हारा भाई इंजीनियर बनेगा, तुम बनोगी एक अच्छी माँ, हंसती गाती बहन और एक अच्छी पत्नी। तुम्हें वो पाठ याद है ना जो मैंने सिखाया था? तो फिर शुरू करें, एक दो तीन चार, दो एकम दो, दो दूनी चार, ऊंचा मत बोलो, ऊंचा मत हंसो, ऊंचा मत देखो, बस नीचे ही नीचे, दुनिया तुम्हारी नीचे रखो आंखें, नीचे रखो सिर, नीचे ही बैठना, नीची हो तुम, पीछे का चलना पीछे, आदमी से आगे जाना नहीं, आगे गई तो खो जाओगी। शिक्षा और स्कूल, आज इनके बिना कोई गुजारा नहीं है। ये शिक्षा के स्थल बुद्धि को विकसित करने और समाज को अपने ढंग से समझकर खुद अपना रास्ता चुनने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हर चीज उल्टी है। रास्ते पक्के मजबूत हैं, बने बनाए हैं, बस स्कूल में आंख पर पट्टी बांधकर एक डंडी थमा दी जाती है और एक चक्करदार सड़क पर छोड़ दिया जाता है। इस चक्कर में लड़की को कई लोग मिलते हैं जो उसे धीरे धीरे कमजोर और असहाय बना देते हैं। अरे सुन, अब तो बच्ची नहीं रही, थोड़ा देखभाल कर चला कर। इधर आ, अब ये स्लीवलेस स्कर्ट फ्रॉक वगैरह पहनना छोड़ दे और ढंग के कपड़े पहना कर, अब तू बड़ी हो रही है। लेकिन क्यों माँ? क्योंकि अच्छे घर की लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? लड़कों के साथ मत खेलो, भैया के साथ भी नहीं, किसी पर भी भरोसा मत करो। लेकिन क्यों माँ? लेकिन क्यों क्यों बंद कर, लड़कियाँ इतने ज्यादा सवाल नहीं पूछा करती। इधर आ, मेरे पास आ और मेरी बात सुन, मेरे पीछे पीछे बोल। शर्म है लड़की का गहना, शर्म है लड़की का गहना, मर्दों से है बचकर रहना, मर्दों से है बचकर रहना, मर्दों की हवस बड़ी खतरनाक, कहीं अपनी इज्जत ना खोना, कहीं अपनी इज्जत ना खोना। अब जा लेकिन जल्दी आना, अब जा लेकिन जल्दी आना, अब जा लेकिन जल्दी आना। और समाज के इस मंथन से जन्म लेती है एक खूबसूरत मगर कमजोर
सुशील मगर असहाय, गुणवती मगर बटन दबाने पर ही काम करने वाली गुड़िया, जिसे हम औरत कहते हैं। इतनी देर से बकबक बकबक कर रहे हो, आखिर कहना क्या चाहते हो? इस औरत को तो हम बहुत पहले से जानते हैं। हाँ जानते हो, लेकिन कभी सोचा है? दिल्ली में बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बसों में छेड़खानी बढ़ती ही जाती है। दहेज न देने के कारण कई लड़कियां जला दी जाती हैं। पति से झगड़ा करती है, मार मार के ठीक कर दूंगा। सुषमा को 15 इंटरव्यूज देने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। बेरोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। इन सब बातों से समाज में रहने वाले हर व्यक्ति पर असर पड़ता है। लेकिन आपको तो कोई नई चीज चाहिए, तो चलिए फिर हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही पुरानी फिर भी एक नई चीज, यानी कि आपकी अपनी तस्वीर। अरे नाचो गाओ, खुशी मनाओ, हल्ला गुल्ला शोर मचाओ, इसको मारो, अरे इसको मारो, उसे सताओ, इसको छेड़ो, उसे सताओ। दिन तिलक दिन, दिन तिलक दिन, दिन तिलक दिन नारा दे। अरे तू क्यों बैठा, अरे तू क्यों बैठा, मुंह लटकाए, कौन सा गम है तुझे सताए। बाहर आजा, गाना गाजा, उनके संग आवाज में आजा। अरे अपना तुम रास्ता मोड़ लो, मुझको भैया यही छोड़ दो, अंदर मेरा जी लग जाए, बाहर जाए जी घबराए, जाओ जाओ घर को जाओ, यहाँ खड़े अफसर ना खाओ। आजा आजा बाहर आजा, तबीयत मेरी ठीक ठाक है, फिर मैं बाहर क्यों जाऊँ, पहले मुझको ये समझाओ। क्योंकि तू लड़का है, ओ भैया लड़का है, लड़का है लड़का है, ओ भैया लड़का है। लड़के अंदर नहीं बैठते, वो तो मस्त है बाहर घूमते। लेकिन मुझे शर्म आती है। शर्म? शर्म? शर्म है लड़की का कहना, आगे से अब कभी न कहना। लेकिन क्यों? क्योंकि तू लड़का है, ओ भैया लड़का है, लड़का है लड़का है, ओ भैया लड़का है। चलो तुम्हारी बात मान ली, आगे भी तो बढ़ाओ कहानी, शुरू कर दी अब नई शेरावली। हाथ में पानी, मुझको अब रोना आ गया, मुझको अब रोना आ गया। क्या लड़का होके रोएगा? जी लड़का होके रोएगा, लड़का होके रोएगा, हर लड़का होके रोता है। क्या लड़के रोते भी नहीं? नहीं 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 नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि वे हैं वीर बहादुर, नहीं किसी से डरते हैं, वो हर गम से लड़ते हैं। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। करके वे होते हैं मुखिया, खाना नहीं बनाते हैं, औरत से बनवाते हैं और हाथ से खाते हैं। जय जय राम, 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 जय जय राम। मैं एक लड़की हूँ, लड़कियों के स्कूल में पढ़ी हूँ, सिर्फ लड़कियों के साथ खेला है मैंने। मुझे अपने चाल चलन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इज्जत का सवाल सिर्फ लड़कियों के लिए उठता है, लड़कों के लिए नहीं। कल शाम को मुझे लड़की वाले देखने आए थे, मेरे माथे की बिंदी से लेके मेरे पैर के नाखून तक मुझे जांचा गया। मुझे बचपन से ही मेरी माँ ने मुझे घर संभालना, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना सिखाया, आखिर मुझे यही तो करना है। मैंने ये सब कुछ किया, सास की फटकार भी सुनी, पति से मार भी खाई, लेकिन घर से बाहर निकलना नहीं, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। मैं नौकरी करने के लायक हूँ, लेकिन किस तरह की नौकरी? एक टाइपिस्ट, एक सेक्रेटरी? पर हाँ, अगर मैं सुंदर होती तो शायद मॉडल या एयर होस्टेस बन पाती। मैं और मेरे पति दोनों नौकरी करते हैं, पर घर का काम सिर्फ मैं। और अगर हम अपना फैसला खुद देना चाहें तो? ना आदमी खुश है और ना औरत खुश है, सबको एक दूसरे से शिकायत है। और शायद बात दोनों की ही सही है, लेकिन अब फैसला कौन करेगा? भैया फैसले तो कोर्ट कचहरी में ही हुआ करे, तो चलो कोर्ट में चलो। कार्यवाही शुरू की जाए।
कार्यवाही शुरू की जाए। माय लॉर्ड, ये बहुत ही संगीन। ठीक है आगे बढ़ो। मुकदमा किस पर है? औरत का आदमी पर। आदमी का औरत पर। जरा आगे बढ़ाई जाए। मेरे जन्म पे मेरे माँ बाप ने बहुत खुशी मनाई और मेरे जन्म पे मातम मनाया गया। घर वालों को पेश किया जाए। घर वाले हाजिर हो। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? हजूर, हमारी कोई गलती नहीं है। हमें तो समाज ने जो सिखाया वही हमने किया, उसी की रीति रिवाज हमने माने। हमने तो अपनी लड़की को स्कूल भी भेजा। हजूर, स्कूल में क्या सीखा? मुझे स्कूल में पढ़ाया कम गया, पर एक अच्छी माँ बहन बेटी बनने की शिक्षा ज्यादा दी गई। और मुझे स्कूल में ही जिम्मेदारी के लेक्चर दिए गए। टीचर को पेश किया जाए। टीचर हाजिर हो। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मेरा कोई दोष नहीं, समाज ने जो मुझे पढ़ाया वही मैंने आगे पढ़ा दिया। लेखक को पेश किया जाए। लेखक हाजिर हो। हजूर, मैं तो एक बहुत मामूली लेखक हूँ। वही लिखा है जो न सोचा है न बोला है, वही पिक्चरों में जो देखा है। पिक्चरों में तुमने क्या देखा? बीच में बोलने के लिए माफी माय लॉर्ड, लेकिन इन्होंने बहुत तंग किया है। इनके खिलाफ और भी कई शिकायतें हैं। क्या शिकायतें हैं? ये तो मेरी मुवक्किल ही बताएंगी। मुझे कमजोर बनाकर, मर्दों से दबकर रहना सिखाकर समाज ने मेरे आगे के सारे रास्ते रोक दिए। मुझ पर बचपन से ही जिम्मेदारियों का पहाड़ डाल दिया गया। औरत को नीच समझकर उस पर अत्याचार करना भी मुझे समाज ने ही सिखाया है। माय लॉर्ड, अगर आपने गौर किया हो तो समाज का नाम बार बार लिया गया है। सड़क पर चलने वाले आदमी से लेकर बड़े बड़े लोगों ने इसकी दुहाई दी है। और अगर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना है तो समाज को कोर्ट में पेश करना बहुत ही जरूरी है। हाँ, समाज को पेश किया जाए। समाज हाजिर हो। ऑर्डर 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 ऑर्डर। हम समाज हैं, समाज हम ही भैया। इधर उधर क्यों ताके ताके दोषी हम ही भैया। हम समाज हैं, समाज हम ही भैया। इधर उधर क्यों ताके ताके दोषी हम ही भैया। तोड़ो ये दीवार पुरानी, छोड़ो पुरानी रस्में। मत सोचो अब कर ही डालो सब कुछ अपने बस में। छोड़ो ये दीवार पुरानी, छोड़ो पुरानी रस्में। मत सोचो कर ही डालो सब कुछ अपने बस में। बंधनों को तोड़ डालो, हर्ज क्या है? लड़का और लड़की में आखिर फर्क क्या है? बंधनों को तोड़ डालो, हर्ज क्या है? लड़का और लड़की में आखिर फर्क क्या है? सुनो सुनाए मिलकर हम तुमको एक कहानी। सबकी देखी सबकी जानी है ये बहुत पुरानी। सबकी देखी सबकी जानी है ये बहुत पुरानी। सबकी देखी सबकी जानी है ये बहुत पुरानी। तो भाइयों, ये तो था हमारा नाटक, लेकिन हमारी अपनी जिंदगी में हमें हर मोड़ पर लड़का और लड़की में फर्क बताया जाता है और हमें बने बनाए ढांचों में ढाल दिया जाता है, जिससे लड़का और लड़की दोनों को ही नुकसान होता है। तो भाइयों, हमने तो इस नाटक के जरिए अपनी बात कह दी। अब आपको क्या करना है ये खुद आपका अपना फैसला होगा। और हम आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने इतनी देर हमारा नाटक देखा, और हमारे हरिया भैया जो हमें फैक्ट्री से बुला के ले आए और हम लोग उस दिन फैक्ट्री में मिले थे। धन्यवाद हरिया भैया, हम आपके आभारी हैं कि आप हमारी बस्ती में आए और आपने हमारे बस्ती वालों को बताया कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता। काश आपकी तरह और मंडियां भी हो और लोग यहाँ आए, और इसी की बस्ती में क्या चारों तरफ जाएं। तो भैया, नया सवेरा दूर नहीं होगा। भैया भैया हम बहुत आभारी हैं। अरे गंगा, अरे हाँ भैया, बहुत बहुत आभारी हम आपके। आप लोग बुलाते रहेंगे तो हम और आएंगे और जगह जगह जाके अपनी बात कहेंगे। बस समझने वाले आप जैसे होने चाहिए अरे भैया। अच्छा चलो भाई, धन्यवाद धन्यवाद। अपने लोग
अपने रास्ते अपना चैन है अपने दुख सुख अपना चैन है अपने दुख सुख अपने है समाधान अपने है समाधान अपनी बस्ती अपने